समय काल और परिस्थिति के अनुसार हर क्षेत्र में बदलाव होते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में भी एक बड़ा बदलाव जो है पिछले 5-7 वर्ष से होने आ रहा है। पहले शहरों तक सीमित था, अब गाँव में भी शुरू हो गया है। अभी जैसा बताया कि इस गली में ही 5 पुस्तकालय खुल गए और व्यक्ति जब पढ़ने के लिए बैठता है तो घर पे उसे वातावरण नहीं मिलता और पुस्तकालय में उसे पूर्ण वातावरण मिलता है। उस वातावरण में निश्चित रूप से वो अपना 100% देता है और रिजल्ट मिलता है उसे। आज गुरु पूर्णिमा के दिन इस गुरु कृपा पुस्तकालय का प्रारंभ होना वास्तव में एक बहुत शुभ संयोग है और निश्चित रूप से यहाँ पढ़ने वाले जो जितने भी प्रतियोगी विद्यार्थी होंगे, मैं कामना करता हूँ कि वो प्रथम वर्ष में ही अपनी सफलता की सीढ़ी पर चढ़ पाए। राजेश जी, गाँव में पढ़ता कंपटीशन लाइब्रेरियों की बात करें तो अच्छी फैसिलिटी के साथ ओपन हुई है गुरु कृपा लाइब्रेरी। अभी जो शिक्षा का जो स्तर है हमारे शिक्षा पढ़ने तो बहुत पुराने समय से बहुत अच्छा था और आज भी हमारे जो युवा साथी इस प्रकार की सुविधाएं जो ग्रामीण बच्चों को दे रहे हैं, आप देख रहे हैं लाइब्रेरी कितनी शानदार बनी हुई है, उसमें कितनी बढ़िया चेयर लगा रखी है, बैठने के लिए व्यवस्था है। अभी जो हमारे भाई हरी बता रहे थे कि यहाँ अच्छा फिल्टर पानी मिलेगा, एसी लगाई हुई है, तो ये एक ऐसा इन्वायरमेंट है, शांत इन्वायरमेंट है जिसमें यहाँ आकर के बच्चा एक दिन शुरू करेगा तो न पढ़ने वाले बच्चे भी दूसरे बच्चों को देख कर पढ़ना शुरू कर देंगे। तो ये बहुत ही अच्छी सुविधा हमारे युवा साथी हर ग्रामीण क्षेत्र में करवा रहे हैं और विशेष करके सेक्रेटरी में तो देखी जाए तो स्कूल में और जब लाइब्रेरी कोचिंग का एक हब है तो ये इसकी सुविधा जब ग्रामीण स्तर पर आ गई है। इसके लिए मैं मेरे युवा साथियों को जो हरी हमारे आज इसका डायरेक्टर है बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पूरी पूर्णिमा के दिन इस प्रकार की व्यवस्था हमारे बच्चों के स्थानीय बच्चों के लिए की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शहरों में पढ़ता कंपटीशन अब गाँवों की तरफ भी आने लगे, यहाँ लाइब्रेरियाँ बड़ी फैसिलिटी के साथ खुल रही हैं। पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कंपटीशन का ज़माना है, कंपटीशन का ज़माने के अंदर शहरों में काफ़ी सुविधाएं हैं लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में इसकी बहुत ही महती आवश्यकता है। इस आवश्यकताओं को देखते हुए धीरे 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 जैसे आवश्यकता आविष्कार की जन रही उसी कड़ी में गाँव में जैसे इस तरीके से ये पुस्तकालय खुली है जिसका युवाओं को काफ़ी एक ही छत के नीचे शांत वातावरण में पढ़ने का मौका मिलेगा और उसमें उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और कंपटीशन की भावना भी उनमें जागृत होगी क्योंकि इसमें कई कंपटीशन वाले छात्र होते हैं, उन छात्रों को एक दूसरे में कंपटीशन की भावना पैदा होती है, एक दूसरे में बढ़ने की आगे भावना होती है तो यहाँ से पढ़ के जो बच्चा निकलेगा निश्चित रूप से उनको सफलता मिलेगी। इसीलिए इन पुस्तकालय मैनेजमेंट को और यहाँ से पढ़ने वाले जितने भी छात्र हैं उन सबको मैं मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ कि उनको सफलता हासिल हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अरे शहरों के अंदर तो शिक्षा बढ़ रही है दिन प्रतिदिन लेकिन गाँवों के बच्चे हैं जो शहर में जा नहीं सकते और गांव के अंदर उसको अच्छी सुविधा नहीं मिल रही है, सुविधा के अभाव में बच्चे शिक्षा से पिछड़ जाते हैं। तो हमने सब दोस्तों ने भाइयों ने मिलकर बैठ के एक विचार विमर्श किया, उससे हमें ये नतीजा निकल के आया कि हमने एक अच्छी सी लाइब्रेरी की व्यवस्था क्यों ना करें। इसलिए हमने ये सोचकर गांव में और ये जो स्टैंड पे जादड़ पे हमने लाइब्रेरी का उद्घाटन किया है, इसमें हर तरफ से डाणियों का आवागमन रहता है, गांव का रहता है, उधर की रोड से रहता है, इधर जादड़ सी है, इधर बेरी है, इधर साकनिया की डाणी है, भानपुरा है, बहुत सी एक पॉइंट है। इस पॉइंट पे हमने किया है कि गाँव के बच्चों को भी यह सुविधा मिल सके। थोड़ा सा एक बार यहाँ लोकेशन के बारे में बताइए, कौन सी लोकेशन है जादड़ के लिए? सर हमारी ये लोकेशन है जादड़ जो सती माता का मंदिर है वहाँ से बैरूबास के लिए रोड जाती है और 100 मीटर चलते ही ऑन रोड पे ही हमारी ये गुरु कृपा लाइब्रेरी स्थित है। प्रोडक जी फैसिलिटियों की बात करें तो एसी हुआ, आरओ वाटर हुआ, टोटल न्यूज़पेपर, वैसे कौन सी फैसिलिटियाँ रखी है आपने? फैसिलिटी सर एक तो हमने बेसमेंट में ये रखी है कि बच्चे डिस्टर्ब ना हो सके, ऊपर लाइब्रेरी होती है तो बच्चे डिस्टर्ब होते हैं इसलिए हमने बेसमेंट में रखी है, ये भी हम माने तो बहुत बड़ी फैसिलिटी है। दूसरा बच्चों के लिए पानी पीने का पानी है उसके लिए हमने फिल्टर वाटर आरओ लगाया है पीने के पानी के लिए और जो बच्चे नेट के चलाना चाहते हैं ऑनलाइन क्लासेज लेते हैं उसके लिए हमने 5G नेट की भी यहाँ पे उपलब्ध करवाया है और बैठने की बढ़िया हमने चेयर वगैरह है वो डलवाई है और पार्किंग के लिए भी हम जैसे ज़्यादा लाइब्रेरी में पार्किंग की व्यवस्था नहीं मिलती है तो आपने देखा है पार्किंग के लिए भी हमारे पास बच्चे चाहे कोई गाड़ी लेके आए चाहे बाइक लेके आए, हम 60 सीटों की लाइब्रेरी की है ओपन तो 60 सीटों के मात्र पर्याप्त मात्रा में हमारे पास पार्किंग की व्यवस्था भी है।
इतने बड़ा कंपटीशन के अंदर एकदम न्यूनतम फीस आपने रखी है, थोड़ा सा उस फीस स्ट्रक्चर के बारे में। सर फीस ही नहीं, हमने फीस के साथ साथ में ऑफर भी रखा है कि 5 बच्चे एक साथ एडमिशन कराएंगे तो हम एक बच्चे की और फ्री फीस करेंगे। जैसे एक ही परिवार से चाचा ताऊ के 5 लड़के आएंगे, भाई बहन, तो उसके साथ साथ हम उस एक लड़के की फीस और फ्री करेंगे। हम कोई कमाने के लिए ये लाइब्रेरी नहीं खोली है सर, कमाने के लिए। एक हमारा संयोग भी देखिए, गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु कृपा लाइब्रेरी का उद्घाटन और गुरुओं के माध्यम से ये उद्घाटन, ये बड़ी संयोग की बात है, बहुत बड़ा इशारा करता है शिक्षा के क्षेत्र। अब मैं हमारे आसपास के जितने भी गांव डाणी के हमारे भाई और बहन हैं उनसे ये निवेदन करता हूँ कि आप एक बार हमारी गुरु कृपा लाइब्रेरी जो झाझड़ से बैरूबास रोड पर स्थित है वहाँ आकर हमारी सुविधाएँ देखें, एक दिन, दो दिन, 5 दिन क्लास लेके देखें। आप लाइब्रेरी ज्वाइन करो या ना करो, लेकिन हमारे हमको एक सेवा का मौका देकर हमारी लाइब्रेरी में एक बार ज़रूर आके चेक करें।